अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मृणाल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर येथील जननायक फाउंडेशन यांच्या वतीने हजरत सुलतान अहमद शहा बाबा दर्गा येथे दर्ग्याच्या परिसरातील हॉस्पिटल मधील रुग्णांसाठी व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी राम रहीम थाळी सुरू केली आहे। सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे या परिसरात जी 5 मोठी हॉस्पिटल आहेत या हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट रुग्णांचे व रुग्णांच्या नातेवाईकांचे हाल होऊ नये याकरिता जननायक फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी राम रहीम थाळी सुरू करून कोरोना काळात रुग्णांना मदत करत हिंदू मुस्लिम मधील एकतेचा संदेश दिला आहे। फाउंडेशन जामनेर की तरफ से अरफात चौक में जड़ा वाले मियाँ जो है, जो हज़रत सुल्तान शाह बाबा करके है, यहाँ पर जो है तो जननायक फाउंडेशन की तरफ से राम रहीम थाली का हमने जो है तो शुरुआत की है। इसके तहत जामनेर शहर में ख़ासतौर पे अरफात चौक के पास जो 5 हॉस्पिटल्स है, जिसमें फैमिली क्लिनिक है, क्लिनिक है डॉक्टर ज़ुबैर का, डॉक्टर इम्तियाज़ का मसीह क्लिनिक है, इसके अलावा अल मिजाब हॉस्पिटल डॉक्टर इलियास का है, डॉक्टर आबिद का जमजम हॉस्पिटल है, और सहारा मेडिकल डॉक्टर मुशर्रफ का है। यहाँ पर जितने डॉक्टर अलीम हैं, इनके यहाँ पर जितने पेशेंट्स हैं और पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, तो आज लॉकडाउन के टाइम में जो है तो दोनों खाने के लिए, उन इलाज के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन उनके खाने का इंतज़ाम नहीं है। तो जननायक फाउंडेशन के मार्फत राम रहीम थाली का हमने जो है यहाँ पर शुरुआत की है, और रोज़ाना दोनों का खाना जो है तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को हम यहाँ पर बैठ के खिला रहे हैं। तो आज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों, जो जो लोग इस इलाके में हैं, वो भूखे ना रहें। अगर उनके पेशेंट्स यहाँ पर इलाज कर रहे हैं या उनके पेशेंट हैं, तो वो खाने के लिए यहाँ पर अपने वक्त पर आ जाया करें। सुबह में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक खाना अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप नहीं आ सके तो भी फ़ोन करें, आप तक खाना पहुँच जाएगा। और शाम में जो है तो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का खाना अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारे पास हमारी पूरी टीम है, जिसमें लोकल ब्रांच के अध्यक्ष हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी जमील भाई हैं, हमारे सहकारी जावेद भाई हैं, अनीस भाई और अल्ताफ, और बाकी और पूरी 17-18 लोगों की टीम है, जो पूरी तरीके से हम सारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव मदद करने में जुड़े हुए हैं। हमारी दुआ है कि कोरोना का ये जो मुश्किल का वक्त है, ये जल्द अज जल्द गुजर जाए। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।